मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर के दौरे पर हैं। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सुबह 10 बजे उतरने से लेकर शाम 5 बजे लौटने तक 7 घंटे के अंतराल में वो 5 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस बीच वो करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ग्रामीण और शहरी आवास का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। दोपहर में उनका गिफ्ट सिटी में निवेश करने वाली कंपनियों के CEO से मिलने का कार्यक्रम है। अपने पहले कार्यक्रम के तहत PM देश भर के करीब 91,000 शिक्षकों को संबोधित करेंगे। दरअसल गांधीनगर गिफ्ट सिटी के पास स्थित निजानंद फार्म पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से 11 से 13 मई तक 29वां शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें देश भर के करीब 91,000 शिक्षक शामिल हुए हैं। सम्मेलन की थीम शिक्षा में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के केंद्र में शिक्षक रखी गई है। वर्ष 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी ने शिक्षा जगत में शाला प्रवेशोत्सव, गुणोत्सव, कन्या शिक्षा के जरिए जो सुधार व परिवर्तन किए उसको छायावर्ती के रूप में यहां दिखाया जाएगा। मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। शैक्षिक सम्मेलन में गुजरात पर आई कई प्राकृतिक विपदाओं के साथ देश भर की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को भी प्रदर्शनी के रूप में दिखाया जाएगा। इसमें अकाल, बाढ़, पुलवामा हमला, कोरोना महामारी के दौरान शिक्षकों की ओर से किए गए सराहनीय कार्यों की प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी। इसके बाद महात्मा मंदिर में आयोजित समारोह, राज्य सरकार के 2452 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसमें 1654 करोड़ रुपए के शहरी विकास के विविध कार्य, 734 करोड़ रुपए के जलपूर्ति के कार्यक्रम शामिल हैं। सार्वजनिक परिवहन और खनिज विभाग के विकास कार्यों का भी मोदी लोकार्पण करेंगे। शहरी विकास के तहत प्रधानमंत्री SP रिंग रोड पर बनाए गए फ्लाई ओवर ब्रिज व अमराईवाड़ी में 4 लेन के फ्लाई ओवर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद गांधीनगर जिले के दहगाम में बने एक सभागृह का भी लोकार्पण करेंगे। अपने आखिरी कार्यक्रम के अंतर्गत PM गांधीनगर में बनने वाले IFSC केंद्र को लेकर नई योजनाओं और नीतियों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ गांधीनगर में हो रही बैठक में शामिल होंगे। PM शाम 4 से 5 के बीच राजभवन के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल और गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।